ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୋପାଷ୍ଟମୀ। ଏଇ ଗୋପାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଆମର ଏଇ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗୋଶାଳାରେ ଗୋପୂଜନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଶାଳାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରିକିରି ଏଠି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମବାବା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଗୋକଥା ଭଜନ ଏସବୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୁହେ, ଗୋପୂଜନ ହୁଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗୋଶାଳା ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମର ଏଇ ଜଗତପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆରେ ଚାଲୁଛି। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଗୋରକ୍ଷା। ଗୋରକ୍ଷା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗୋମାତା କୋଷେଇଖାନାକୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗୋପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଗୋପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ବୁଝିବେ, ସେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟାସ କରାହେଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଶାଳା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜ ଗୋପାଷ୍ଟମୀ କା ପର୍ବ ହେ ଦେଶ ଭର କେ ଅନ୍ଦର लाखों लाखों की संख्या में गोभक्त गो माता का पूजन कर रहे हैं। आज का दिन बहुत विशेष है अपने हिंदू समाज के लिए। गो माता जिस घर में रहती है वह घर समृद्धशाली होता है, ऐसा शास्त्रों में मान्यता है, क्योंकि गाय के बारे में ऐसा कल्पना किया गया कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवता का निवास होता है, इसलिए गाय का हर अंग पवित्र है। दूसरी बात यह है, भारतीय गोवंश के बारे में अभी दुनिया ने भी ये बात मान लिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे पूर्वज गाय का पालन करते थे, उससे अपना जीवन चलाते थे और रोग मुक्त रहते थे। अभी दुनिया ने मानना शुरू कर दिया कि भारत की जो गाय है उसका दूध का सेवन करने से किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, ऐसा दुनिया के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। दुनिया विदेशों में पाई जाने वाली गाय, उन गायों के द्वारा लंबे समय तक यदि आपने दूध का सेवन किया तो अनेक प्रकार के रोग होंगे, शुगर होगा, बीपी होगा, हार्ट अटैक होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, इतनी प्रकार की बीमारियां उनके गायों के लंबे समय सेवन करने से होता है। यह दुनिया के अंदर इस गाय पर जो रिसर्च हुआ उसमें देशी गाय बने भारत की गाय और विदेशी गाय में बहुत बड़ा अंतर है। अब गाय की पूजा का परंपरा हमारे देश के अंदर लाखों लाखों वर्षों से है और इसलिए ऐसा मानना है कि हमारे ऋषियों ने बहुत पहले इस बात की खोज की थी। आज बहुत बड़ा दिन है, गोपाष्टमी का दिन। इस दिन कृष्ण भगवान पहली बार घर से गाय चराने के लिए घर से गए थे। इसी को याद रखते हुए हम लोग इस गोपाष्टमी का पालन करते हैं और घर से आए हैं गाय की पूजा करने, गाय को घास खिलाने, केला खिलाने, गाय की आरती उतारते हैं, गौ माता का आशीर्वाद लेते हैं। साल भर जीवन भर हमारा जीवन में धर्म धर्म बना रहे, परिवार में सुख शांति रहे।